नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम हमारे रसोई में बना रहे हैं दाल, जो बाटी और चूरमा के साथ खाई जाती है। चलो शुरू करते हैं। मैंने ये दाल ले ली है, मैंने मिक्स दाल ली है। मिक्स दाल में चना, तुअर, मसूर, उड़द, मूंग, यही दाल है। मैं इसको धो लेती हूँ। हम दाल को कुकर में डाल देते हैं। ये हमने धो ली है। मैंने करीब 150 ग्राम दाल ले ली है, उसमें 3 गिलास पानी डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी नमक। नमक से अच्छी टेस्टी बनती है और जल्दी पकती है। 1 चम्मच हल्दी, एक चम्मच देसी घी, दाल को बॉईल होने रख देते हैं। कम से कम 5 सीटी आने देते हैं इसमें। दाल में तड़का लगा लेते हैं। अब गैस चालू कर लेते हैं। मैंने इस चम्मच से 2 चम्मच घी ले लिया है। दाल घी में बहुत अच्छी बनती है। हम तो भाई हमेशा घी में ही बनाते हैं दाल, हमें तेल की बिल्कुल पसंद नहीं है। हम राजस्थानी लोग हैं, घी बहुत खाते हैं। घी गर्म हो रहा है, अभी घी गर्म हो रहा है, तब तक मैं लहसुन कूट लेती हूँ। अदरक है थोड़ी सी, तो हमें दाल में तड़का लगाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए। मैंने प्याज लिया है, एक 2-3 मिर्ची हैं काट के रखे हैं। इसमें लहसुन अदरक कूट रखे हैं। ये मसालेदानी के मसाले हैं जो डेली यूज में लेते हैं। कड़ी पत्ता, हींग ले लिए, मैं तड़का लगा लेती हूँ। जीरा 1 छोटा चम्मच, थोड़ी सी राई, हींग बहुत थोड़ी सी, कड़ी पत्ता, प्याज, प्याज को थोड़ा पका के हल्का सॉफ्ट करके फिर अदरक लहसुन फिर मिर्ची डालूंगी। लहसुन बाद में डालेंगे, थोड़ा जल्दी डालते तो जल जाता है लहसुन, इसलिए इनको आधा पका लेते हैं पहले। लहसुन अदरक डाल देते हैं। प्याज का कलर चेंज हो चुका है, इनको हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, जलाना नहीं है, थोड़ा लाइट लाइट कलर आ जाए इतना ही भूनना है। टमाटर डाल देती हूँ। मैंने 1 टमाटर ले लिया है, इसको काट के रखा है। मैंने खड़े मसालों का यूज नहीं किया बिल्कुल ही। अब मैं डालूंगी मसाले। ये 1 छोटा चम्मच है, इससे 2 चम्मच मिर्ची डाल रही हूँ। मैंने हल्दी दाल में भी डाल दी 1 छोटा चम्मच, इसलिए 1 चम्मच छोटा हल्दी डाल रही हूँ। नमक दाल में डाल दिया, इसलिए 1 छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ। धनिया, ये गरम मसाला है,
इसमें पानी नहीं डाला मैंने बिल्कुल, इतना सा आधा सा चम्मच पानी लिया है कि मसाले नहीं जले बस। इनको अच्छे से भूनना है। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। देखिए मसाला अच्छे से पक चुका है, पूरा घी ऊपर आ गया है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अब इसमें मैं दाल डाल देती हूँ जो पहले ही उबाल के रखी है। ये दाल है, मैंने नमक हल्दी और थोड़ा घी डाल के इसको बॉईल करके रखा है। थोड़ी गाढ़ी है, बाटी के साथ ज़्यादा पतली दाल नहीं, गाढ़ी खाते हैं। अब मैं इसको डाल देती हूँ। अब हमें इसको उबालना नहीं है, दाल बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है, ऊपर से तरीदार बनी है बिल्कुल। अब इसमें डाल देते हैं हरा धनिया। गैस बंद कर देते हैं, इसको उबालना नहीं है। अब पहले अच्छे से उबाल के रखिए। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है देखने में दाल। यकीन मानिए दाल घी में तड़का लगा के तो बहुत ही अच्छी टेस्टी लगती है। आप भी ट्राई ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।